अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास टेंथ का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड दैट इज़ एसोसिएटेड विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, इक्वेशंस आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है, इवन नाइन्थ क्लास में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन करते हुए, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, और चैप्टर 7 हमने लीनियर इक्वेशंस के नाम से पढ़ा था। तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं, बट यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसे हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। सर, डिग्री क्या होती है, हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था क्लास 9th में, कि जो हाईएस्ट पावर है किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी भी एक्सप्रेशन की, दैट इज कॉल्ड डिग्री। यानी जो आपका वेरिएबल आ रहा है उसकी जो हाइएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपकी जो सेकेंड डिग्री है यानी हाइएस्ट पावर आपके पास स्क्वेयर आ रही है, हाइएस्ट पावर आपके पास 2 आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो विद द कंडीशन ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। आपका ए जीरो नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो हो जाता है, अब देखें ये आपकी जनरल फॉर्म है, इसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए तो क्या होगा, अब अगर ए जीरो हो जाता तो आपके एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाएगी, यानी ये जो ए एक्स स्क्वायर आ रहा है ये जीरो हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस में, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो में, और यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पावर तो 1 आ रही है वेरिएबल की। तो इसीलिए अगर ए जीरो होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर ए जीरो होता है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाएगी किस में, लीनियर इक्वेशन में। स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस में, लीनियर में, इफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जेनेरिक फॉर्म है उसमें ए जीरो हो जाए, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है लीनियर इक्वेशन में। दैट इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपके फर्स्ट पेज पे ये चीजें मेंशन है। सेम स्टूडेंट्स, अगर बी जीरो हो जाए, यानी इसी जो जनरल फॉर्म है विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे अगर हम बी जीरो कर दें, यानी ये जो टर्म है ऑब्वियसली ये पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो आपके पास जो टर्म आएगी वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पावर आपके पास 2 आ रही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, लेकिन उसको हम एक नाम देते हैं, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर बी जीरो हो जाए तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है मेथड्स, यानी ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेथड्स, फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्यूटिंग स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन तो आपने क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यहां पर आप दो नई चीजें पढ़ेंगे, दैट इज कंप्यूटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये कुछ थ्योरी थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज और डेफिनेशंस बनती हैं। अब तक हमने जो स्टूडेंट्स डिस्कस किए, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इट इज आल्सो नोन एज सेकंड डिग्री इक्वेशन। आपकी बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपने याद कर लेनी है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इज 2। इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, कीप दैट इन माइंड। फिर हमने दो एमसीक्यूज डिस्कस किए, और आपके एमसीक्यूज थे कि अगर ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ए जीरो हो जाता है तो ऑब्वियसली जो एक्स स्क्वायर की टर्म है ये तो वैसे रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी, तो आपके पास जो फॉर्म आएगी दैट विल बी बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो अब क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, डिग्री 1 है उसकी, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी किस में, लीनियर इक्वेशन में। इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर बी जीरो हो जाए तो हमने देखा कि वो क्या हो जाएगा, वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट हमने देखा कि मेथड्स कितने हैं, सो दे आर 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्यूटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो वन बाय वन हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें, तो स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आपने पॉइंट आउट करनी है
कि कौन सी इनमें से इक्वेशंस प्योर फॉर्म में है और कौन सी नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है, ऑब्वियस इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, फिर एक्स और फिर कॉन्स्टेंट। तो देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री से तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स। सिमिलरली प्लस सेवन मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो क्या आएगा, सेवन एक्स। और सेवन मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री से तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू नेगेटिव सेवन। अब स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करें जरा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस सेवन तो स्टूडेंट सेवन माइनस थ्री आंसर विल बी प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन। सेवन नेगेटिव है, ऑब्वियसली साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है, सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गई, ये आपकी जनरल फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपको गिवन थी। अब आपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आपने पॉइंट आउट करना है कि क्या ये प्योर फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये टर्म एक्स वाला वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो ये प्योर फॉर्म नहीं होगी। तो आप क्या लिख देंगे, इट इज नॉट प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसके और भी पार्ट्स हैं तो उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें, मैं पार्ट नंबर थ्री आपको करवा रहा हूं, दैट इज एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू सिक्स। सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप देखें तो आपकी जो इक्वेशन गिवन है उसमें एलसीएम आ रहा है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगे, यानी एक्स और एक्स प्लस वन। अब नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स से तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स ओवर वन एज इट इज। स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, वी नो द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन एक्स। अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, अब देखें x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू सिक्स बाय वन। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स सिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से, ऑब्वियसली वन किससे होगा, इस टर्म से। तो सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सॉरी इक्वल्स टू वन इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। सो स्टूडेंट्स देखें, सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन। अब हम इन टर्म्स को उठाकर इस साइड पे ले आएंगे सो दैट हम सिंप्लीफाई कर सकें। स्टूडेंट्स जब आप टर्म्स को लेके आओगे तो ऑब्वियसली उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या आएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स एज इट इज माइनस टू एक्स एंड माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा, फोर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सिक्स एक्स माइनस टू एक्स क्या आ जाएगा, प्लस फोर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अगेन आप देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, बट इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपके पास एक्स का जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो जीरो नहीं है। तो ये भी क्या होगी, ये भी प्योर फॉर्म नहीं होगी। तो नीचे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, इट इज नॉट प्योर फॉर्म, या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दें, इट इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज उसने आपसे पूछा हुआ है कि नहीं आप सॉल्व करें और आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट था, इस तरह से हमारे पास और भी पार्ट्स हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर पार्ट्स की तरफ। ओके स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर सिक्स की तरफ मूव करते हैं। अब पार्ट नंबर सिक्स देखिए, आपको गिवन है एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 25 बाय 16। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम, तो एलसीएम में ऑब्वियसली दोनों टर्म्स आएंगी, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। स्टूडेंट्स एक्स प्लस टू कैंसिल आउट, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री से, इसे आप लिखेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट हो गया,
एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू से, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस टू स्क्वेयर इक्वल्स टू 25/12 एज इट इज। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करें, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस टाइम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्टूडेंट्स इट विल बिकम एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, वन इंटू एक्स एक्स एंड वन इंटू थ्री थ्री। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने इन टर्म्स को प्लस एज इट इज। नाउ ए प्लस बी होल स्क्वेयर, वी नो द फार्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू एक्स इट विल बिकम एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू थ्री इट विल बिकम थ्री एक्स, टू इंटू एक्स टू एक्स एंड थ्री टू जर सिक्स इक्वल्स टू 25/12। स्टूडेंट्स कुछ सिंप्लीफिकेशन हैं फर्दर, एक्स स्क्वेयर और थ्री प्लस वन फोर एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस फोर प्लस फोर एक्स। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वेयर थ्री प्लस टू फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू 25/12। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से और 12 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से। तो देखिए स्टूडेंट्स 25 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू 12 इंटू, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर, स्टूडेंट्स 4x प्लस 4x इट विल बिकम 8x एंड 4 प्लस 3 कॉन्स्टेंट्स को भी अगर आप एडअप कर लें तो क्या हो जाएगा 7। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, सो 25 इंटू एक्स स्क्वेयर 25x स्क्वेयर, 25 इंटू 5 स्टूडेंट्स 125x एंड 25 6 150। इसी तरह से 12 इंटू 2 24x स्क्वेयर, 12 8 96x एंड 12 7 84। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स को आप बेसिकली साइड पे ले आए सो दैट हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। सो 25x स्क्वेयर माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 125x माइनस 96x प्लस 150 माइनस 84 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स 25x स्क्वेयर माइनस 24x स्क्वेयर तो क्या आ गया x स्क्वेयर, 125 माइनस 96 तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 29x एंड सिमिलरली 150 माइनस 84 इट विल बी 66 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी किस में ट्रांसफॉर्म होगी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई है। तो देखें स्टूडेंट्स क्या ये प्योर फॉर्म है, नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये जो टर्म है ये हमारे पास जीरो नहीं है, हमारे पास टर्म आ रही है, हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है। तो अब क्या लिख देंगे, इट इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली आप कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन और फिर बाकी जो हमारे मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।